आप देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आप उनके हालात देखिए। राजस्थान में 1,10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, मध्य प्रदेश में 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, छत्तीसगढ़ में 45,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, उत्तर प्रदेश में 2,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं। और इन सब राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वादा किया इन संविदा कर्मियों को, वादा किया इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, हमें वोट दे के भेज दो बस एक बार। आज देखने जाइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में इन संविदा कर्मियों को पक्का किया, क्या नहीं किया? क्या यूपी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को पक्का किया, नहीं किया? क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में वादा करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को पक्का किया, नहीं किया? ना यूपी में किया, ना राजस्थान में किया, ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। अगर पूरे देश में कोई एक पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे एमसीडी हो, जहां पर पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, अपने चुनावी वादे को पूरा किया है, या दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो जिसने 12,000 से ज्यादा कच्चे शिक्षकों को अपनी सरकार बनने के बाद पंजाब में पक्का किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अपनी गंदी राजनीति बंद करो। चाहे बस मार्शल हो, चाहे दिल्ली के सब लोग हो, सबको पता है कि कच्चे कर्मचारियों को डंडे लाठियों से अगर कोई पीटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी पीटती है। अगर कच्चे कर्मचारियों के संघर्ष में, बस मार्शल्स के संघर्ष में कोई कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन बस मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव आपके एलजी साहब को पहुंचा देगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज देती हूं कि वो उसके 1 हफ्ते बाद उस प्रस्ताव को पक्का करवा दें और बस मार्शलों की नौकरी पक्की करवा दें। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति करी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो यही गंदी राजनीति बस मार्शल्स के साथ करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट नोट बना के भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब से उसे साइन नहीं कराया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब 1 हफ्ते बाद दिल्ली सरकार ये प्रस्ताव भेजेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसे पास नहीं होने देगी, क्योंकि वो बस मार्शल्स के साथ सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं।